संयुक्त ठेकेदारी मजदूर यूनियन सीटू जतहरी जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश के द्वारा संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर भारत बचाओ खेती बचाओ कल कारखाने एवं उद्योग बचाओ अभियान के तहत तहसील कार्यालय जतहरी के समक्ष धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार जतहरी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मोजर बियर पावर प्लांट के प्रबंधन श्री बीके मिश्रा के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला अनूपपुर के द्वारा पारित आदेश का अवमानना एवं धोखाधड़ी करते हुए लगातार प्रभावित खातेदारों का नुकसान किया है। आंदोलनकारियों ने कहा कि न्यायालय कलेक्टर का आदेश दिनांक 13/5/2019, 10/6/2019, 20/12/2019 का खुला उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायालय कलेक्टर ने आदेश पारित किया है कि 3 माह की अवधि में अभ्यावेदन कर्तागण के परिवार के सदस्य को नियमित रोजगार उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाए। ऐसा ना किए जाने पर कंपनी द्वारा कलेक्टर रेट पर अकुशल श्रमिक दर से प्रत्येक प्रभावित परिवार का मासिक भुगतान करना होगा। भुगतान न किए जाने की स्थिति में देय राशि भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी, किंतु मोजर बियर प्रबंधन मार्च 2021 में कलेक्टर रेट अकुशल श्रमिक दर 8,400 थी और भुगतान 3,114 रुपए करके न्यायालय के आदेश का अवमानना एवं धोखाधड़ी किया है। कम रेट का भुगतान पारित आदेश के समय से करते हुए किसानों का लाखों रुपए का नुकसान किया है। आंदोलनकारियों ने कहा कि हमें पशु पक्षियों की भांति दौड़ाकर थकाया जा रहा है, लगातार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर मांग करते रहे हैं, किंतु शासन प्रशासन व कंपनी प्रबंधन हमारे जायज मांग को अनसुना कर रही है, जिससे किसान व मजदूरों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम मनुष्य हैं और इस देश के नागरिक हैं, हम थकेंगे नहीं बल्कि दुगनी चौगनी ताकत बढ़ाकर लड़ेंगे। उक्त आशय की जानकारी संयुक्त ठेकेदारी मजदूर यूनियन सीटू के अध्यक्ष कामरेड जुगल राठौर ने देते हुए प्रशासन से मांग किया है कि मोजर बियर पावर प्लांट के प्रबंधन श्री बीके मिश्रा के खिलाफ अवमानना व आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।